इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का क्रेज और डिमांड दोनों ही बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे कंपनीज जो है अपना एक से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट में। ब्रांड जैसे ओला, ओकिनावा, प्योर ईवी जैसे कंपनीज की तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें आज की डेट में इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एस्टेब्लिश ब्रांड की जैसे टीवीएस, होंडा, यामाहा, इन कंपनीज के तरफ से आज की डेट में भी इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 में एस्टेब्लिश ब्रांड की तरफ से कौन कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 5 पे है बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर। बजाज जो कि टू व्हीलर्स मार्केट में एक जानी मानी कंपनी है, उनके तरफ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी अवेलेबल है, वो है चेतक इलेक्ट्रिक, और वो भी थोड़ा कॉस्टली है। तो कम बजट वाले कस्टमर्स चाहकर भी इस कंपनी के साथ नहीं जा पाते क्योंकि इनके पास फिलहाल इतने प्रोडक्ट है नहीं। तो शायद बजाज भी अपना कस्टमर बेस इंडियन मार्केट में बनाने के लिए एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है जो शायद चेतक ही होगा। अब उसमें थोड़ा कम फीचर्स और छोटा बैटरी आएगा जिसे कम बजट वाले कस्टमर्स भी उसे आसानी से खरीद सके। तो बजाज ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए अलग से सर्विस सेंटर्स भी ओपन करना चालू कर दिया है। इसमें 750 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बजाज करने वाले हैं। ये जो स्कूटर है इसका ज्यादा जानकारी अभी तक रिवील नहीं हुई है। नंबर 4 पर है टीवीएस iQube। तो टीवीएस की तरफ से जो iQube ST आता है वो स्कूटर लॉन्च तो कर दिया था लेकिन उसका बुकिंग्स और डिलीवरी इसमें काफी देर लग गया, अभी तक बहुत लोगों को डिलीवरीज नहीं मिल पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2023 का स्टार्टिंग मंथ में इसका डिलीवरी स्टार्ट हो सकता है। इसमें एक हब मोटर आता है जो कि 4.4 किलोवाट का पावर जनरेट करता है और 5.1 किलोवाट का बैटरी इसमें आएगी जो कि 140 किलोमीटर का क्लेम रेंज ऑफर करेगी। इसमें 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, मल्टीपल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, OTA अपडेट्स, 32 लीटर का स्टोरेज, एंटी थेफ्ट अलर्ट जैसे शानदार फीचर्स आपको इस स्कूटर में मिल जाएगा। अगर प्राइस की बात करें तो इस स्कूटर का प्राइस होने वाला है 1.25 लाख रुपीज। ताकि एस्टिमेटेड प्राइस है, कंफर्म प्राइस जब यह स्कूटर लॉन्च होगा तभी पता चल पाएगा। तो नंबर 3 पे आता है यामा इलेक्ट्रिक स्कूटर। जैसे धीरे धीरे सब ICE कंपनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में उतर रही है, वैसे यामा जो बाहर तो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करते हैं, जल्दी इंडिया में भी वो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। अभी तक आउट हुई डिटेल्स के अकॉर्डिंग 2.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर इसमें मिलने वाली है जो 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी और 19.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी इसमें मिलेगी जो 68 किलोमीटर का रेंज ऑफर करेगी। और इसी के साथ इसमें बैटरी स्वैपिंग सिस्टम भी आने वाला है जो कि रेंज एंग्जाइटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। इस स्कूटर में आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस इग्निशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 3 राइडिंग मोड, स्वैपेबल बैटरी सिस्टम जैसे शानदार फीचर्स। अभी इनका दो इलेक्ट्रिक स्कूटर यामा नियो, यामा E01 दोनों अनवील किए गए थे और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि पहला कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है। अब ये इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर 2023 का स्टार्टिंग मंथ में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकता है और लगभग 1 लाख के आसपास इसका प्राइसिंग रखी जाएगी। नंबर 2 पर है होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर। होंडा का पेट्रोल एक्टिवा स्कूटर काफी ज्यादा फेमस है इंडियन मार्केट में, तो ये पॉपुलैरिटी का फायदा शायद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी मिलने वाला है। ज्यादा कुछ डिटेल्स तो अभी आउट नहीं हुई है लेकिन शायद ये हाई स्पीड लॉन्ग रेंज वाला स्कूटर हो सकता है जो मार्केट में अवेलेबल कई बढ़िया स्कूटर्स को कंपटीशन दे सकती है। कंपनी का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर सबसे ज्यादा डर लोगों का रेंज को लेकर रहता है, जिसे दूर करने के लिए होंडा स्कूटर में देने वाला है स्वैपेबल बैटरी सिस्टम और ये स्कूटर काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। हाल ही में होंडा का EM1 इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवील कर दिया गया था। ये 2023 तक यूरोप के मार्केट में सेल होने वाली है लेकिन इसका इंडियन मार्केट में लॉन्च होने का कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। इनका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube Ather जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कम्पीट करेगी और 2023 में इसका लॉन्च हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर है हीरो वीडा। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 शोकेस किया था और इसका बुकिंग भी चालू कर दी गई थी, जिसमें वीडा V1 प्रो और V1 प्लस दोनों मॉडल्स हमें देखने को मिला और 2023 का स्टार्टिंग मंथ से इसका डिलीवरी भी स्टार्ट होने लग जाएगी। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो दोनों स्कूटर में आपको 6 किलोवाट की एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी जो 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जनरेट करेगी। बात करें बैटरी की तो V1 प्रो में आपको मिलेगी 3.94 किलोवाट आवर की बैटरी, ये एक स्वैपेबल बैटरी होगी, 165 किलोमीटर का रेंज स्कूटर को देने वाली है। वही V1 प्लस में आपको मिलेगा 3.44 किलोवाट आवर की बैटरी, ये भी एक स्वैपेबल बैटरी होगी जो 143 किलोमीटर का रेंज ऑफर करेगी। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो फुली कीलेस फंक्शनलिटी, फॉलो मी होम लाइट्स, SOS इमरजेंसी बटन, क्रूज कंट्रोल, LED लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर प्राइसिंग की बात करें तो वीडा V1 प्रो का प्राइस 1.59 लाख एक शोरूम रहने वाली है, जबकि वीडा V1 प्लस की एक शोरूम प्राइस 1.45 लाख रुपीज रहने वाली है। तो ये थे कुछ बिग ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2023 में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।